हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश। आज के इस वीडियो में देखेंगे 11th के ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा। इससे पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में देख चुका था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट साइन 80° इंटू कॉस 20° माइनस कॉस 80° इंटू साइन 20° इज इक्वल टू रूट 3/2। चलिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये सब उसी का यूज है। तो चलो फिलहाल करें, साबित करो इतना बराबर ये। तो LHS में क्या है, तो साइन 80° इंटू कॉस 20° माइनस में फिर कॉस 80° इंटू साइन 20°। चलो सीखिए इसको। ऐसा करता हूं कुछ देर के लिए, 80° जहां है ना वहां पे हम A पुट कर देता हूं और 20° के जगह पे B। तो क्या हो गया ये, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। ये फॉर्मूला होता है साइन A माइनस B का, अर्थात साइन A मतलब 80° या माइनस में 20° जो हो गया साइन 60°, जिसका वैल्यू रूट 3/2। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साबित करो कॉस 45° इंटू कॉस 15° माइनस साइन 45° इंटू साइन 15° का वैल्यू 1/2। तो चलो LHS में क्या है, कॉस 45° इंटू कॉस 15° माइनस में फिर साइन 45 इंटू साइन 15। वही बात कुछ देर के लिए, 45° के जगह पे A रखिए और 15° इज इक्वल टू B। तो क्या हो गया ये, कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B, जो फॉर्मूला हो जाता है कॉस A प्लस B का। तो कॉस A के जगह 45° B के जगह 15° हो गया कॉस 60°, जिसका वैल्यू 1/2। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉस 75° इंटू कॉस 15° प्लस साइन 75° इंटू साइन 15° का वैल्यू 1/2 साबित करो। तो कुछ नहीं, बस LHS लीजिए। तो LHS क्या हो गया, कॉस 75° इंटू कॉस 15° प्लस साइन 75° इंटू साइन 15°। अब वही बात कुछ देर के लिए, 75° के जगह पे A और 15° के जगह पे B। तो क्या हो गया ये, कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, ये हो गया कॉस इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, कॉस A माइनस B का फॉर्मूला। कॉस A, A मतलब 75° या माइनस में 15°। क्या हो गया ये, कॉस 60°, जिसका वैल्यू 1/2। यही तो RHS है। तीसरा का चौथा क्वेश्चन कह रहा है साबित करो साइन 40° इंटू साइन 20° प्लस कॉस 40° इंटू साइन 20° बराबर रूट 3/2। चलो LHS क्या है, हो गया साइन 40° इंटू कॉस 20° प्लस कॉस 40° इंटू साइन 20। अब कुछ देर के लिए वही 40° के जगह पे A और 20° के जगह B रखिए। तो क्या हो गया, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, जो हो गया आपका साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, साइन A प्लस B, साइन A के जगह 40° प्लस में 20°, जो हो गया साइन 60, जिसका वैल्यू रूट 3/2। तीसरा का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है साबित करो कॉस 130° इंटू कॉस 40° प्लस साइन 130° इंटू साइन 40° का वैल्यू 0। तो चलो सबसे पहले LHS क्या है हीरो, कॉस 130° इंटू कॉस 40° प्लस साइन 130° इंटू साइन 40। वही बात कुछ देर के लिए, 130° के जगह पे A और 40° के जगह पे B रखा जाए तो क्या हो गया, कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, जो हो गया कॉस A माइनस B, यानी कॉस 130° माइनस में 40°, जो हो गया कॉस 90°, जिसका वैल्यू 0। यही तो RHS है। एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन कह रहा है साबित करो साइन 50° प्लस थीटा इंटू कॉस 20° प्लस थीटा माइनस कॉस 50 प्लस थीटा इंटू साइन 20° प्लस थीटा का वैल्यू 1/2। तो चलो LHS क्या है, लेफ्ट साइड हो गया आपका साइन 50° प्लस थीटा इंटू कॉस 20° प्लस थीटा माइनस कॉस 50° प्लस थीटा इंटू साइन 20° प्लस थीटा। ऐसा ही करता हूं,
एक गो को ए मानिए दूसरा को बी, तो 50 डिग्री प्लस थीटा के जगह पे ए रख दीजिए और 20 डिग्री प्लस थीटा के जगह पे बी रख दीजिए, तो क्या हो गया ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, मतलब साइन ए, ए माने 50 प्लस थीटा, माइनस बी माने 20 माइनस थीटा, 20 प्लस थीटा, तो क्या हो गया साइन 50 प्लस थीटा माइनस 20, माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, साइन 30 डिग्री जिसका वैल्यू 1/2, यही तो आरएचएस है। चौथा का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साबित करो कॉस 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू 1/2। तो बस एलएचएस में क्या है कॉस 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। पुट कर देता हूं जहां 70 डिग्री प्लस थीटा है उसके जगह पे ए और जहां पे 10 डिग्री प्लस थीटा है उसके जगह पे बी, तो क्या हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए, ये मतलब 70 प्लस थीटा माइनस बी माने 10 प्लस थीटा, तो क्या हो गया ये कॉस 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा कटा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, यही तो आरएचएस है। साइज का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है साबित करो कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो चलो सबसे पहले एलएचएस में क्या है कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स। पुट कर देता हूं एन प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे ए और एन प्लस 1 इंटू एक्स के जगह पे बी, तो क्या हो गया ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए यानी एन प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी एन प्लस 1 इंटू एक्स, क्या हो गया कि कॉस एन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस एन एक्स माइनस एक्स, एन एक्स से एन एक्स कट गया, हो गया कॉस एक्स, यही तो आरएचएस है। ये पांचवा का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साबित करो कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो चलो एलएचएस में क्या है एलएचएस हो गया आपका कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस में साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। कुछ देर के लिए पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए और पाई बाई 4 माइनस वाई को बी रख देता हूं, तो क्या हो गया ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है ना। तो कॉस ए इंटू कॉस माइनस साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, अर्थात कॉस ए के जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स, बी के जगह पाई बाय 4 माइनस वाई, जोड़िए तो पाई बाय 4 और पाई बाय 4 मिलके पाई बाय 2, अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस वाई। अब फॉर्मूला लग रहा है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा एक्स प्लस वाई, यही तो आरएचएस है।